नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी दोस्तों बज रहे हैं रात के करीब करीब 10 बज गए हैं और हम सब लेट भी गए थे, लेकिन अचानक से मेरा मन हो गया कि दाल मखनी खाने का मन कर रहा, जबकि वैसे अमूमन मैं रात को डिनर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन हो गया इसमें डिनर करने का। और मैंने एकदम तुरंत ऋषभ को पूछा तो ऋषभ कहने लगा चलते हैं, अमन भी कहने लगा चलते हैं। तो हम सब अब जा रहे हैं डिनर करने के लिए और इधर मेरी मिसेज भी आ गई है बिना देखो, मतलब हमारा कोई मूड नहीं था, अचानक हम डिनर के लिए आ गए, सब जा रहे हैं डिनर के लिए। देखो रात को 10 बज गए, कोई मूड नहीं था हम दोनों का। कैसा लग रहा फिर? पेट भरा हुआ है, बच्चों के लिए जा रहे हैं, बाकी कोई मूड नहीं है बिल्कुल भी। और ये ऋषभ भी आ गया है, मतलब हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था और हम सब आ गए हैं। अचानक हम लोग वीडियो देख रहे थे, अमन कहाँ चला गया? तो वो हम कोई, हाँ यस यस, हम कोई वीडियो देख रहे थे रील, उसमें कोई दाल मखनी की स्टॉल आ रही थी, तो उसे देखते ही एकदम मेरा मन कर गया तो अब चलते हैं दोस्तों। तो अब मैं निकल गया हूँ और बिल्कुल अपने घर के पास अपना रेस्टोरेंट है, वहीं हम जा रहे हैं अभी। स्टॉल है, वो इतनी तारीफ कर रहा था उसे देख के हमारा। और हमेशा की तरह हम पहुँचने वाले हैं अपने रेस्टोरेंट बिल्कुल घर के पास, आप लोगों को तो समझ ही गए होंगे, वो आपको डेकोरेशन देख के लग रहा होगा, पेड़ पे निक्का बाबरची। और ये ना निक्का बावर्ची और डैडी ने, फिर हमने पहले ऑर्डर दे दिया था खाने का और सब लोग आ गए। ये ना प्योर डेकोरेशन, और आज आउटडोर सेटिंग है, अपन लोग बाहर बैठेंगे मजे से। और सीटिंग हमने ले ली है, देखें सब हम बैठ चुके हैं, कितना अच्छा व्यू रात का। अभी ये देखें रात का कितना प्यारा व्यू, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ये रेस्टोरेंट के बाहर की डेकोरेशन है। और डिनर मैंने वैसे फ़ोन पे ऑर्डर कर दिया था, दाल मखनी और तंदूरी रोटी, अभी देखते हैं बाकी। ये मेरा डिनर आने वाला है, आ चुका है, प्लेटें वगैरह आ गई हैं। ये है देखें निक्का बाबरची, और इधर हमारा डिनर भी आ चुका है, ये हमारी रोटी आ गई है, ये दाल मखनी भी आ चुकी है, और हम करते हैं डिनर को सर्व। मैं अपने लिए ले रहा हूँ दाल मखनी, और साथ में मैं लूँगा थोड़े से ऑनियंस, एक ग्रीन चिली और एक रोटी। तो ये दाल मखनी जो खाने का हमारा मन था वो आज पूरा हो चुका है। बेबी टेस्ट करें आप एक बार, और मेरी मैडम टेस्ट करके बताएंगी हाउ इट बीइंग, कैसी है बेबी। ओके अमन आप भी लीजिए बेटा। तो दोस्तों मैं भी अब ट्राई करता हूँ, तो मैंने भी एक बाइट ले लिया है, अब देखते हैं। गर्म है, बहुत गर्म है। वाह मजा आएगा दोस्तों, तो गर्म भी लगता है, बहुत ही टेस्टी है। ये हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई है दोस्तों। डिनर हमने कर लिया है, मतलब फालतू का कोई मन नहीं था, और अब डिनर क्या तो निकलते हैं अपने घर के लिए। और डिनर के बाद अब जो है मैं निकल गया हूँ अपने घर के लिए दोस्तों। बड़ा अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा हमारा सबका, बहुत लाइट, खाली दाल मखनी टेस्ट करनी थी, हाफ हाफ रोटी और एक बटर नान के साथ मजा आ गया दोस्तों। अब चलते हैं अपने घर के लिए। डिनर के बाद मैं आ गया हूँ अपने घर, अमन दरवाज़ा खोल रहे हैं और गाड़ी को हम करेंगे अब अंदर, तो गाड़ी भी हमारी पार्क हो गई है दोस्तों, ये हमने गाड़ी कर दी है पार्क। कैसा एक्सपीरियंस कह सकती हो आप इसे? मस्त एक्सपीरियंस, बिना भूखे खाया, चटोरे हैं। हाँ जी, क्या कहोगे आप? मेरा तो बढ़िया एक्सपीरियंस था, एकदम मज़ा आ गया, नाइट में यही होता है। और मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हल्का फुल्का हम लोगों ने खाया, अमन तो चला गया तुरंत अंदर, क्योंकि पता नहीं आ गया अमन भी आ गया है। तो दोस्तों हम इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं फिर एक नई ब्लॉग में अगली बार, फिर शाही पनीर के साथ।